श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। आदरणीय भक्तजनों, सादर प्रणाम। हम आज आपको श्री भक्तमाल में से श्री बच्छपाल जी की कथा सुनाएंगे, जिन्होंने अपनी माता को बैकुंठ धाम भेज दिया। भजन और कीर्तन के प्रभाव से श्री गणेशाय नमः, श्री सद्गुरु देवाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः। भक्तजनों, नाभाजी महाराज वर्णन करते हैं कि श्री बच्छपाल जी भगवान के ऐसे भक्त थे कि इनकी जितनी महिमा गाई जाए उतना कम है। ये भगवान के अनन्य भक्त थे और भक्तों का भी बड़ा आदर करते थे। इन्होंने अपने भजन के प्रताप से असंख्य जीवों का कल्याण किया, यानी सभी को इन्होंने भक्ति रस का आनंद करवाया और कई जीवों को इन्होंने भक्त बना दिया। मनुष्य तो क्या, पशु पक्षियों को भी भक्त बनाया। एक समय की बात है, इनकी माता जी को काल ज्वर आ गया, यानी कि मरते समय जो बुखार आता है उसे काल ज्वर कहते हैं। यम के दूत उसे डराने और ले जाने की तैयारी करने लगे। इनकी माता बड़े कष्ट का अनुभव कर रही थी, उनको अपने शरीर की सुध नहीं रही, उनका कंठ अवरुद्ध हो गया, यानी वो बोल नहीं पा रही थी। श्री बच्छपाल जी उस समय घर पर नहीं थे, शहर गए हुए थे किसी काम के लिए। शहर से जब आकर इन्होंने देखा कि माता को काल ज्वर चढ़ा हुआ है, माता बहुत कष्ट में है, तो इन्होंने वहीं पर भगवान की कथा और नामों का कीर्तन करना शुरू कर दिया। उसे सुनते ही यमदूत भाग गए और विष्णु पार्षदों ने आकर इनको दर्शन दिया, इनकी माता को भी, और इनकी माँ स्वस्थ हो गई। यम के दूतों के द्वारा उनको जो यातना मिली थी उसका उन्होंने बड़े प्रेम से वर्णन किया, यानी इनको बताया, हे पुत्र, यम के दूत मुझे मार रहे थे, पीट रहे थे, मुझे बड़ा कष्ट दे रहे थे, और तुम्हारे कीर्तन से मुझे बड़ा सुख मिला, मेरा सारा कष्ट दूर हो गया। यम के दूत भाग गए, तुम धन्य हो, तुमने नरक से मेरा उद्धार कर दिया। यम दूत मुझे मार रहे थे, अब ये विष्णु दूत विमान पर बैठा कर मुझे अपने साथ ले जा रहे हैं। हे पुत्र, तुम हमेशा सुखी रहो, यही मेरा आशीर्वाद है।